subscribe and press the bell icon for latest update. अपनी कलम से यूं तो तमाम लेखकों ने समय समय पर दुनिया को आईना दिखाने की कोशिश की है, मगर इस जमात में भी लेखिका तस्लीम व नसरीन का नाम कई मायनों में अलग नजर आता है। असल में पेशे से तो तस्लीमा नसरीन चिकित्सा जगत से रही हैं, लेकिन उनकी किताबों ने उनको दुनिया भर में एक लेखिका के तौर पर पहचान दिलाई है। इनमें भी जब उनकी किताब लज्जा पाठकों के हाथ में आई तो इस किताब ने ऐसा हंगामा बरपाया कि तस्लीमा नसरीन को अपना वतन छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं राशिद अली और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक बेहद ही खास प्रोग्राम में। तो दोस्तों, आज हम जिस लेखिका का जिक्र अपने कार्यक्रम में कर रहे हैं वो हमेशा से विवादित मुद्दों पर किताबें और लेख लिखने के लिए जानी जाती रही हैं। कई बार तो उनके लेख इस तरह की तलखीली होते हैं, लोग उनकी जान के दुश्मन तक बन जाते हैं, यहां तक कि उन्हें जान से मारने तक की धमकियां दी जाने लगती हैं। तो चलिए आपको आज बताते हैं कि विवादित लेखिका तस्लीम नसरीन की जिंदगी के उन अनछुए पहलुओं के बारे में जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है। आज हम जिस हस्ती के बारे में बात कर रहे हैं वो बेहद ही विवादित चेहरा रही है। अपने विवादित बयानों के जरिए भारत देश में इस चेहरे को बखूबी जाना जाता है। इतना ही नहीं, समय समय पर इन्होंने ऐसे बयान भी दिए हैं जिससे समुदाय के लोग काफी नाराज हुए हैं। तस्लीमा नसरीन को एक पुरस्कार विजेता लेखक, चिकित्सक, धर्म निरपेक्ष, मानवतावादी और मानव अधिकार कार्यकर्ता, महिलाओं के उत्पीड़न और धर्म की निरर्थक आलोचना पर उनके शक्तिशाली लेखन के लिए जाना जाता है। मजबूती के निर्वासन और कई मौतों के लिए बुलाए गए कई फतवे के बावजूद भारत में, बांग्लादेश और विदेश में नसरीन की कथा, गैर कथा, कविता और संस्मरण श्रेष्ठ विक्रेता की सूची में सबसे ऊपर है। तस्लीमा नसरीन का जन्म बांग्लादेश में हुआ था। वह 13 साल की थी जब वह लिखना शुरू किया। उनके लेखन ने सीमा पार के लोगों के दिलों को जीत लिया और 1992 और 2000 में उन्हें भारत से सम्मानित साहित्यिक पुरस्कार आनंद के साथ नवाजा गया। तस्लीमा ने 1994 में यूरोपीय संसद से विचार की स्वतंत्रता के लिए सखारोव पुरस्कार जीता। उन्हें स्वीडिश पीएन सिमोन डी ब्योर अवार्ड और फ्रांस की सरकार से मानव अधिकार पुरस्कार से कर्ट तुक्षोली की अवार्ड प्राप्त हुआ। वह नैंटेस फ्रांस के शहर से ले प्रिक्स्टेला एडिट ही नैंटेस प्राप्त की। वह मानवतावाद अमेरिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय अकादमी में एक मानवतावादी विजेता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी और नैतिक संघ प्रतिष्ठित मानवता पुरस्कार से स्वतंत्रता से सम्मानित नायिका पुरस्कार, स्वतंत्रता से धर्म की स्थापना यूएसए आईबीए के पुरस्कार जर्मनी और नमिनिक प्रेस पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका से जीता। उन्होंने 2005 में सहिष्णुता और अहिंसा के प्रोत्साहन के लिए यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार प्राप्त किया। उन्हें लियो के पदक का सम्मान मिला। ब्रसेल्स में फ्रांसीसी समुदाय की संसद में तस्लीमा को कॉन्ट्रेस्ट ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें पेरिस, नैंटेस, लियोन, मेटेस, थियोनविल इस आदि से मानद नागरिकता मिली। उन्हें 2013 में बेल्जियम के रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट, साइंस और लिटरेचर से अकादमी पुरस्कार मिला। बेनेटल में गेंट यूनिवर्सिटी और यूसीएल से सम्मानित डॉक्टरेट और फ्रांस में अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस और पेरिस डिडोराट विश्वविद्यालय से सम्मानित किया। उन्होंने यूरोपीय संसद, फ्रांस की नेशनल असेंबली, सॉर्बोने की विश्वविद्यालयों, ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालयों जैसे दुनिया की प्रमुख स्थानों में समारोह को संबोधित किया, हार्वर्ड, येल आदि। उन्हें हार्वर्ड और न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में एक अनुसंधान विद्वान के रूप में फेलोशिप स्थापित किया। वह 2009 में संयुक्त राज्य अमेरिका में एक वुड्रा फिल्सन फ्लो थे। तस्लीमा ने बंगाली में 37 पुस्तकों को लिखा है जिसमें कविता, निबंध, उपन्यास और आत्मकथा श्रृंखला शामिल है। उनके कार्यों का 30 अलग भाषाओं में अनुवाद किया गया है। उनकी कुछ पुस्तकों को बांग्लादेश में प्रतिबंधित कर दिया गया है। उनके विचारों और विचारों के कारण उन्हें बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल दोनों हिस्सों में बंदी बना दिया गया, काली सूची में डाला गया और उन्हें पिछले 20 सालों से अपने देश लौटने के अधिकारियों द्वारा रोका गया। यह तो ही उनके जीवन में उपलब्धियों की बात।
अब आपको बताते हैं कि आखिर तस्लीमा नसीरीन को लिखने की आदत कब पड़ी और बताते हैं उन्होंने अपने जीवन में कितने संघर्ष किए, साथ ही उनके लेखन से पैदा हुए तमाम विवादों को देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। एक अत्यधिक प्रतिबंधात्मक और रूढ़िवादी माहौल में बढ़ते हुए तस्लीमा साहित्य का उन्हें शौक था, जबकि उन्होंने विज्ञान में भी उत्कृष्टता हासिल हुई। उन्होंने 13 साल की उम्र में लेखन शुरू कर दिया, साहित्यिक पत्रिकाओं में कविता के साथ शुरुआत की और बाद में खुद को एक साहित्यिक आवृत्ति सेनासुति नामक संपादन कर लिया। वह एक साहित्यिक संगठन के अध्यक्ष थे, जबकि मेडिकल कॉलेज में जहां उन्होंने कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया था, उन्होंने 8 साल तक सार्वजनिक अस्पतालों में काम किया। उनकी पहली किताब 1986 में प्रकाशित हुई थी। 1989 में उनकी दूसरी बड़ी सफलता हासिल हुई और प्रगतिशील दैनिक और साप्ताहिक अखबारों के संपादकों ने सुझाव दिया कि वे नियमित कॉलम लिखते हैं। इसके बाद उन्होंने महिलाओं के उत्पीड़न के बारे में लिखना शुरू कर दिया। कई झिझक न होने के कारण उन्होंने धर्म परंपराओं और दमनकारी संस्कृतियों और रिवाजों की आलोचना की जो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करते हैं। उनकी ताकतवर भाषा और पुरुष वर्चस्व के खिलाफ असुविधाजनक रवैया ने कई लोगों के बीच हड़कंप मचा डाला। उन्होंने पाठकों से प्यार और घृणा दोनों को हासिल किया। 1992 में उन्होंने बंगाल के पहले लेखक निर्माण कॉलम के लिए भारत में पश्चिम बंगाल से प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार आनंद प्राप्त किया, जो कि पुरस्कार अर्जित करने के लिए इसके बारे में अन्य लेखकों के बीच ईर्ष्या के आरोप के बावजूद सर्वोच्च बौद्धिक और लेखकों ने इसका समर्थन रखा। 1990 में इस्लामी कट्टरपंथियों ने उनके खिलाफ अभियान शुरू किया, स्ट्रीट प्रदर्शनों और जुलूसों के आयोजन किया। उन्होंने समाचार पत्र कार्यालयों में तोड़ दिया कि वह नियमित रूप से लिखते थे। उनके संपादकों और प्रकाशनों पर मुकदमा चला और खतरे में डाल दिए। खतरा है जो समय के साथ बढ़ता है। कट्टरपंथी भीड़ ने उन्हें कई बार सार्वजनिक रूप से हिला के दिया था। अब वह किसी भी सार्वजनिक स्थान का स्वागत किया, यहाँ तक कि मेलों को बुक करने के लिए भी नहीं, जिसे वह यात्रा करना पसंद करती थी। 1993 में कट्टरपंथी संगठन ने सैनिकों के इस्लाम के नाम से फतवा जारी किया। उनके मुताबिक इस्लाम की आलोचना के कारण उनके सिर पर कीमत तय की गई और वह अपने घर तक ही सीमित थी। सरकार ने अपना पासपोर्ट जब्त कर लिया और उससे पूछा कि क्या वह ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टरेट के रूप में अपनी नौकरी को रखने की उम्मीद कर रहे थे। वह इसलिए उनकी नौकरी छोड़ने को मजबूर हो गए क्योंकि वह भारत में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में सर्वश्रेष्ठ बिक्री करने वाले लेखक बन गई थी। वह दुश्मनी से बचने में सफल रही, हालांकि सरकार ने लज्जा पर प्रतिबंध लगाया, जिसमें उन्होंने मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार का वर्णन किया। उनका मुख्य संदेश मानवता को धर्म का दूसरा नाम दे। तस्लीमा के अनुसार धार्मिक शास्त्रों का समय समय से बाहर है, जगह से बाहर है। धार्मिक कानूनों के बजाय वह लगती है जो आवश्यक है। वह एक समान नागरिक संहिता जो महिला समानता और न्याय का समर्थन करती है। उनके विचारों ने 14 विभिन्न राजनीतिक और गैर राजनीतिक धार्मिक संगठनों को पहली बार एकजुट करने के लिए हिंसक प्रदर्शन शुरू करना, सामान्य हड़ताल शुरू करना, सरकारी कार्यालयों में अवरुद्ध करने और फांसी द्वारा तत्काल निष्पादन की मांग करने की मांग की। इस दौरान इस्लामिक चरमपंथियों ने दो और फतवा जारी किए थे, उसका सिर दो और कीमतें तय की गई और सैकड़ों हजारों कट्टरपंथियों ने सांस ली, उनकी मृत्यु की मांग की। जो कट्टरपंथी नहीं चुप रहे, बावजूद कुछ विरोधी रूढ़िवादी राजनीतिक समूहों ने कट्टरपंथी विद्रोह का विरोध किया, लेकिन तस्लीमा को एक लेखक और एक इंसान के रूप में बचाव नहीं किया, जिसने अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। केवल कुछ लेखकों ने उनके अधिकारों का बचाव किया, लेकिन बांग्लादेश की सीमाओं पर परे कई अंतर्राष्ट्रीय लेखकों और लेखकों के अंतर्राष्ट्रीय संस्था तस्लीमा के समर्थन में आई थी। आपको बता दें कि उस दौरान उन्हें काफी लोगों ने समर्थन किया था। वहीं वह कहीं भी रहती थी, वह मानव अधिकार और महिला अधिकारों के लिए लड़ी। 1998 में सरकार की अनुमति के बिना उसने अपनी बीमार मां के साथ वापसी करने का जोखिम डाल दिया था। फिर कट्टरपंथियों ने मांग की कि वह मारे जाए। जब उनकी मां का निधन हो गया, कोई मस्जिद में उनके अंतिम संस्कार के समय नहीं आया था। वह उनका अपराध यह था कि वह काफिर की मां थी। लोगों के धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में एक बार फिर मामला दर्ज किया गया। वहां रहने के कुछ सप्ताह बाद तस्लीमा को एक बार फिर से अपने देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। तस्लीमा अपने पिता को जब वह बीमार थी देखने के लिए बेताब थी, लेकिन सरकार ने उन्हें अनुमति नहीं दी थी। उन्होंने अपने ऊपर हुए अत्याचारों और यौन उत्पीड़न के बारे में लिखा कि किस तरह उनके मामा और चाचा ने उनका यौन शोषण किया था। इतना ही नहीं, बांग्लादेशी लेखिका
तस्लीमा नसरी ने खुलासा करके साहित्य जगत में खलबली मचा दी है। तस्लीमा ने साहित्य अकादमी के अध्यक्ष सुनील गंगोपाध्याय और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। उनके इस आरोप ने पूरे बंगाल साहित्य में भूचाल ला दिया। इस आरोप पर गंगोपाध्याय ने कहा कि वह ऐसे आरोपों की परवाह नहीं करते। तस्लीमा ने ट्विटर पर ट्वीट किया कि सुनील गंगोपाध्याय किताबों पर बैन लगवाने के लिए ही है, उन्होंने मेरा और अन्य कई दूसरी औरतों का यौन उत्पीड़न किया है। तस्लीमा ने शुभंकर मुखोपाध्याय के ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा कि सन 1999 में गंगोपाध्याय ने उनका शोषण किया था। वैसे दोस्तों, कहा जाता है कि नीम कड़वा तो होता है लेकिन वो खून साफ करने के काम आता है। असल में कई बार सच को बताने के लिए लेखक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें बर्दाश्त करने की क्षमता या फिर हिम्मत हर किसी में नहीं होती, और यही वजह है कि तस्लीमा आज अपने ही देश में समेत तमाम मुल्कों में रहने वाले एक समुदाय की दुश्मन बन गई है। खैर, अब सही और गलत साबित करने का फैसला तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि इस तरह से बेबाक होकर बातें रखने की हिम्मत तस्लीमा नसरीन जैसी लेखिकाओं के अंदर ही हो सकती है। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसी किसी खास हस्ती के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।